जय श्री राम दोस्तों। आज भाई कोई भी बसड़बाजी वाली बातें नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो भाई कल आदिपुरुष मूवी रिलीज हो गई, जिसका भाई बेसब्री से लोगों को इंतजार था, मेरे को भी बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार था। इस वाले टॉपिक के ऊपर भाई मैं काफी सारी वीडियो बना रखा हूँ, दो महीने से लगभग मैं इस पर कंटिन्यू वीडियो बनाए जा रहा हूँ कि ये वाली मूवी रिलीज होगी तो कैसी हिट होगी। भाई जहां पर श्री राम का नाम आ जाता ना, वहां पर मुझे लगता है कि वो चीज़ें ना पक्का हिट हो जाती है। लेकिन इन लोगों ने भाई इस वाली मूवी का जो सत्यानाश किया है ना, वो मैं बता नहीं सकता हूँ कि इस वाली मूवी का हुआ क्या है। और अगर आप भाई सच्चे राम भक्त हो तो इस वाली वीडियो को देखो और फिर जाके डिसाइड करना कि आप ये वाली मूवी देखने वाले हो कि नहीं देखने वाले। तो फालतू की बातें नहीं करेंगे भाई, सीधा फिल्म के ऊपर आते हैं। तो यार देखो इन लोगों की भाई इतनी औकात नहीं थी कि ये वाली है ना पूरी रामायण को एक 3 घंटे की मूवी के अंदर दिखा दी जाए। 3 घंटे की ये वाली मूवी है और अपना जैसे 20 मिनट इसकी मूवी कंप्लीट होता है ना, 20 मिनट के अंदर ही आप ये वाली मूवी डिसाइड कर लोगे कि ये वाली मूवी कैसे होने वाली है। तो भाई फिल्म के अंदर पहला सीन होता है जहां पर रावण तपस्या कर रहा होता है ब्रह्मा जी की पहाड़ों के ऊपर, जहां पे बर्फ वगैरह पड़ी होती है। और ब्रह्मा जी का जो इतना गंदा लुक दिखा रखा है ना भाई, लिटरली कोई बोल नहीं सकता कि यहां पर ये ब्रह्मा जी है। वहां पर भाई ब्रह्मा जी है ना वरदान देते हैं रावण को कि भाई तेरी मृत्यु किसी भी तरीके से नहीं हो सकती है। और दूसरा सीन शुरू हो जाता है जंगल के अंदर, जहां पे सीता माता और लक्ष्मण बैठे रहते हैं और जो राम जी की एंट्री दिखा रखे ना, सही बता रहा हूं इतनी गंदी एंट्री दिखा रखी, अगर देख लोगे ना तो कसम से आप उस चीज को लेकर गालियां दोगे। और एक चीज तो जरूर बोलो कि ये वाला सीन यहां पर क्यों देख रहे हैं। और अगर मैं उस सीन की बात करूं तो भाई सीन कुछ ऐसा होता है कि लक्ष्मण और सीता ना एक गुफा के अंदर होते हैं, वहां पे बैठे और वहां पे पता नहीं क्यों भाई एकदम से वहां पे जाके हमला हो जाता है, मतलब चमगादड़ वगैरह होते हैं जो वहां पर वो आके हमला कर देते। श्री राम की जो एंट्री दिखा रखी, एंट्री भाई इतनी गंदी दिखा रखे, पानी के अंदर बैठे वहां पे ओम नाम का जाप कर रहे हैं और वहीं पे चमगादड़ वगैरह बिना किसी रीजन के जान ना पहचान भाई मैं तेरा मेहमान ये वाली बात हो रखे, बिना किसी रीजन से वहां पे चमगादड़ वगैरह जो असुर है ना वे हमला कर देते हैं। दूसरा सीन दिखाते हैं भाई सीधा रावण की लंका के अंदर चले जाते हैं। रावण की लंका के अंदर भाई सुपर्णखा का जो रोल दिखा रखा है ना, सुपर्णखा का रोल आप देख के हंसोगे। उसकी जो नाक कटी थी उसकी नाक साफ साफ लिख रहा है कि एडिटिंग कर रखे, रुई लगा रखे, रुई के ऊपर जो खून लगाता है ना लाल कलर लगाते, खून भी नहीं लगाते लाल कलर लगा के यहाँ पे लगाते, तो वो वाली पूरी की पूरी साफ चमक रही है और कुछ नहीं करती। सिर्फ वहां पे जाके ये बोलते कि राम और लक्ष्मण ने मेरी नाक काट दिया और तुम्हें इस बात का जाके बदला लेना है। और बदला कैसे लेना है भाई, सीता माता को उठा के यहाँ पर ले आओ क्योंकि भाई वो इतनी सुंदर है कि उसकी जगह वहां पर जंगलों में नहीं, यहाँ पर रावण की लंका के अंदर है। बस फिर क्या था भाई, रावण ने अपना रोल दिखा दिया और वहां पे जाके वो सीता माता को उठा के ले आया। सीता माता का रोल उठाने में देखो एक चीज मैं बताता हूँ, सीधी सी बात है, आपने भी भाई रामायण पढ़ी होगी, देखी होगी, सुनी होगी। जब हम छोटे छोटे थे ना भाई तब भी एक चीज दिखाई जाती थी कि सीता माता को एक हिरन पसंद आता है जो कि गोल्डन उसके अंदर रहता है। सीता माता कहती है कि मेरे को ये वाला हिरन चाहिए। मैं ये चीज बताऊंगा, अगर थोड़ी सी भी स्टडी की होती ना तो इनको पता चल जाता कि रामायण असली में होती क्या है। ठीक है, वहां पे जाके श्री राम उस हिरन को लेने चले जाते हैं। लक्ष्मण वहां पर क्या करता कि लक्ष्मण रेखा खींच के चला जाता, सीता माता को बोलता कि आप इससे बाहर मत निकलना। वहीं पर रावण आता भाई अपना भेष बदल के और वहां से वो भिक्षा मांगता है, भिक्षा उसे मिल भी जाती है, वो लेके जाता है। लेके किसके ऊपर गया था, वो अपना उड़ने वाला रथ होता था, उड़न रथ उसके ऊपर लेके जाता था। अगर रियलिटी के अंदर गए होगे तो तुम, इन लोगों ने क्या किया भाई, चमगादड़ दिखा रखा, इतना बड़ा विशाल चमगादड़ दिखा रखा, चमगादड़ के ऊपर लेके जाता है। और एक चीज मैं बताता हूँ यार, नाम देखो मेरे को प्रॉपर याद नहीं होगा लेकिन आपको शायद नाम याद होंगे। तो जब रावण सीता माता को लेके जाता है तो एक पक्षी होता है जो उसके साथ लड़ाई करता है, जिसका भाई पंख काट देते हैं, पूरा हाथ काट देते हैं। और वो ना जब श्री राम उसको ढूंढने जाते हैं सीता माता को, तब उसका रास्ता बताता है कि रावण सीता माता को लेकर चला गया था, वो बताता है। और यहाँ पे क्या दिखा रखा भाई, जब रावण चमगादड़ के ऊपर बैठकर सीता माता को लेकर जा रहा है पहाड़ों के ऊपर, ये वाला सीन दिखा रखा है। और वो लोग साफ साफ देख रहे हैं कि सीता माता को रावण लेके जा रहा है और जो पक्षी है ना वो उसके साथ लड़ाई भी कर रहा है। और जब वो पक्षी का हाथ कट जाता है तब वो उसके पास भागे भागे जाते हैं, हालांकि पक्षी जब जाते हैं ना तो वो मरा हुआ मिलता है। इन लोगों में इतना दिमाग नहीं था कि वो पक्षी जिंदा होता है, उसके अंदर थोड़ी सी सांसें रहती है। और जब वो बताता है कि रावण आपकी सीता माता को उठा के ले गया, मैं उसके साथ लड़ाई कर रहा था, मैं उनको बचाने की कोशिश कर रहा था, तब मेरा हाथ कटा है। लेकिन नहीं, ऐसा इसके अंदर कुछ भी नहीं रोका, इन लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी दिखा रखी है। इन लोगों ने साफ साफ दिखा दिया कि श्री राम और लक्ष्मण वहां पे खड़े खड़े ऐसे तमाशा देख रहे हैं और रावण वहां से सीता माता को लेके जा रहा है और पक्षी वहां पर लड़ रहे हैं, लेकिन ये दोनों कुछ नहीं कर रहे, ये दोनों सिर्फ उसको भाग रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और वहां पे जाके ऐसे खड़े होकर देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यार, मेरे को हंसी थी इस वाली मूवी को देख के, जब आई ना, जब भाई श्री राम और लक्ष्मण सीता माता को ढूंढते हैं ना कि वो कहां पर चली गई, तब वो एक कुटिया के अंदर जाते हैं और वहां पे एक बूढ़ी औरत होती है, जो बेर वाला सीन याद है ना आपको, जो वो झूठे बेर खिलाती है, वो कुटिया के अंदर जाते हैं, तब उसे वो बूढ़ी मां मिलती है और वो बताती है कि आपको यहां पे सुग्रीव और हनुमान मिलेंगे, उसकी मदद से आप लंका तक जा सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने भाई पूरा का पूरा उल्टा दिखा रखा है, वो बूढ़ी औरत खुद श्री राम के पास चल के आती है और उसको बेर खिलाती है और वहां पे जाके अग्नि में समा जाती है और बोलते हैं कि मेरा काम यहीं तक का था, मेरा काम आपसे मिलने का था, इसके बाद मैं स्वर्ग जा रही हूं। इसके बाद भाई सीधा लोग एंट्री करते हैं वहां पर जो सुग्रीव से मिलने जाते हैं, और सुग्रीव का जो सीन दिखा रखा है ना और जो उसका भालू का अंगद का और हनुमान का जो सीन दिखा रखा है, कसम खा के बोलता हूँ आप लोग है ना एक बार ये वाले सीन अगर देख लेते तो आप सीधा सीधा ये मतलब ये सीन का ये अगर पूरी आप मूवी देख लोगे तो आप एक ही चीज बोलोगे, जो कार्टून वाली मूवी हम देखते हैं ना वो बाल हनुमान वाली, आपको वो इससे ज्यादा बढ़िया लगने वाली है। क्योंकि जो इसके VFX यूज कर रखे ना इतने गंदे, इतनी घटिया क्वालिटी के VFX यूज कर रखे। इसका जो ट्रेलर आया था ना, ट्रेलर के अंदर इन्होंने देखो कितना दिमाग लगाया, ट्रेलर के अंदर उन्होंने सबसे बढ़िया बढ़िया चीज दिखा रखे कि इसके अंदर क्या क्या बढ़िया बढ़िया चीजें हम डाल सकते हैं ऐड करके। जितने बढ़िया VFX है ना वो सिर्फ ट्रेलर के अंदर, मूवी के अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो भाई सीधा सीधा देखिए
सुग्रीव के पास जाता है, सुग्रीव जाके बोलता कि भाई अब अपने आना बाली से जाके युद्ध करो और वहां पे जाके अपना राजा बन जाओ, उसके बाद हम आगे की नीति शुरू करते हैं। और वहां पे जाके ना देखो यार, जो सुग्रीव का और उसका बाली का सीन दिखा करना है, गोरिल्ला होते हैं ना गोरिल्ला, वो ये वाले गोरिल्ला इसके अंदर बना रखे हैं, और जो लड़ाई वगैरह करते हैं ना, चलो वहां से वो जीत जाता है। उसके बाद क्या सीन आता है भाई, जो श्रीराम जी है ना, हनुमान जी को एक अंगूठी देते हैं और उसको बोलता है अगर आप उड़ सकते हो ना तो सात समंदर पार करके वहां पे जाके सीता माता को अंगूठी दे दो। वहां पे हनुमान जी भाई उड़कर सात समंदर पार करके कितने मिनट में जाता है पता आपको? 3 सेकंड के अंदर, मुश्किल से 3 सेकंड के अंदर समुद्र लांग के पूरा लंका की तरफ चले जाता है। आप लोगों को भी याद होगा भाई, जब वो समुद्र की तरफ जाता है और जब वो संजीवनी गुटी लेने जाता है ना, के बीच में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती है, कितनी सारी बीच में जो मायावी होता है ना, असुर होते हैं, वो कितने सारे आते हैं। इसके अंदर कुछ नहीं दिखा सकते, 2 सेकंड के अंदर वो यहां से जंप किया और वहां पर चला गया। वहां पर जाने के बाद जो इन्होंने भाई लैंग्वेज यूज कर रखी ना, जो घटिया होते हैं ना छपरी, वो वाली लैंग्वेज यूज करते हैं। लैंग्वेज कुछ ऐसी होती है, जैसे भाई हनुमान जी अशोक वाटिका के अंदर जाते हैं ना, वहां इतना घटिया डायलॉग होता है जिसमें बेगना था ना हनुमान जी को बोलता है कि बगीचा क्या तेरे बाप का जो इसके अंदर टहलने आ गया। चलो ये तो एक ट्रेलर है इसके डायलॉग्स का, आगे बताता हूं। हनुमान जी की जब पूछ में आग लगाते हैं तो मेघनाथ हनुमान जी को बोलते हैं कि जिसकी जलती है ना दर्द भी उसी को होता है। हनुमान जी उसका रिप्लाई पता है क्या करते हैं? सही कहा तूने, आग तेरे बाप की, तेल तेरे बाप का, लंका तेरे बाप की, और जलेगी भी तेरे ही बाप की। यार एक बात बताओ, उस टाइम पे ये वाली लैंग्वेज यूज होती थी कि नहीं होती थी? इतने छपली डायलॉग इसके अंदर मार रखे है ना, इस वाली मूवी को थोड़ा सा आगे ले जाने के लिए इतने घटिया घटिया डायलॉग यूज कर रखे हैं। उसके बाद क्या होता है, हनुमान जी उस वाली लंका को वहां पर जला देते और सीधा वापस आते हैं श्रीराम जी के पास, और वहां पर जाके बता देते कि भाई मैं सीता माता से मिल लिया हूं और ऐसा ऐसा हुआ, यही हुआ, मैंने वहां पर जाके लंका वगैरह जला दी। अब आते हैं भाई घर का भेदी लंका टाइप विभीषण के ऊपर। विभीषण के ऊपर साफ साफ ये चीज दिखाई गई थी, जब वो ना लंकापति रावण को अंदर जाके समझाता है ना कि भाई आप ऐसा मत करो, आपने सीता माता का हरण किया है, वो सब गलत है, और श्री राम के जाके पास वहां पे जाके उनसे माफी मांग लो और वो शायद माफ भी कर दे आपको, आप सीता माता को छोड़ दीजिए। जब रावण ना वो गुस्से में आकर वहां पर विभीषण को घर से निकाल देता, उसके बाद वो श्री राम के शरण में जाता है। इन लोगों ने कुछ भी नहीं दिखा रखा, सीधा सीधा विभीषण आता उनके पास और वहां पर हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता कि श्री राम जी मुझे अपनी शरण में ले दीजिए, मैं रावण के साथ नहीं रह सकता। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं, जहां पर वो पुल बना देते हैं, पुल वुल भाई सारी चीज बना देते, जहां पर जो श्री राम के पत्थर के ऊपर लिख देते ना और वो पत्थर तैरने लगते, पुल वगैरह सारी चीज बना के चले जाते। और एक सबसे मेन जो इसके अंदर वो है ना, वो है कुंभकर्ण का रोल। कुंभकर्ण सब लोगों को पता कि भाई 6 महीने से होता था और 6 महीने ही खाता था, 1 साल अपना वो पूरा ऐसे ही कर लेता था। इनके अंदर क्या दिखा रहा है, जब कुंभकर्ण को हम जब छोटे से थे ना, जब कुंभकर्ण को जगाने लेके जाते थे हम रामलीला के अंदर, वहां पर होते थे, रामलीला में भी ये दिखाया जाता है कुंभकर्ण को जगाने के लिए काफी सारे ज्यादा लोग लगते थे, उसके बाद भी कुंभकर्ण जागता नहीं था। यहाँ पे किसी को नहीं बता रखा कि कुंभकर्ण कौन है, बेगनाथ कौन है, नाम वगैरह कोई मेंशन नहीं कर रखा है। एक बार बस आना कुंभकर्ण को सोते हुए दिखाते थे, जब विभीषण बोलता कि 6 महीने सोता और 6 महीने ही खाता है। उसके बाद सीधा रोल होता है भाई इनका रणभूमि के अंदर, रणभूमि वगैरह कुछ नहीं होती है, पहले के जो युद्ध होते हैं ना रणभूमि के अंदर होते थे, और लेकिन यहाँ पर ये लोग सीधा लंका के अंदर अटैक करते थे, और लंका के अंदर ही तीनों के तीनों एक साथ आते हैं। साउथ का एक्टर है तो साउथ की चीज अगर इस फिल्म के अंदर ना डले भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फाइटिंग जो दिखा रखे ना, वो मुक्का मार और वहां पे जाके दीवार के अंदर जाके लगा और वो ऐसे पीछे जा रहा है, एक को मुक्का लग रहा है भाई, 4 जने जाके गिर रहे, ऐसी ऐसी फाइटिंग सीन करके। एक चीज आप लोगों को याद होगी, जो श्री राम जी थे ना बचपन से ट्रेनिंग ले रहे थे भाई अपने गुरु की शरण में आके युद्ध वगैरह की, अस्त्र शस्त्र वगैरह सीखने की, कुछ भी नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, सिर्फ एक तीर कमान दे दिया और उसी से पूरा युद्ध लड़े जा रहे हैं। श्री राम की एक भी मूवी के अंदर 3 घंटे की एक भी इतनी सी भी स्माइल नहीं हुई है, श्री राम की यहाँ पे मूंछ दिखा रखी है। और तो और अगर रावण का हेयर स्टाइल अगर आप देख लोगे ना उस जमाने में, कसम खा के दिखा रहा हूँ आप लोगों ने उसके हेयर स्टाइल के तो फैन होने वाले हो, उस जमाने में ऐसा ना ही होता था यार। हमारे देख लो आज भी साइड में कट वगैरह नहीं होते, कट वगैरह ऐसे डाल रखे, यहाँ पर कट वगैरह लगा रखे, जितने भी विभीषण, यार विभीषण के ऊपर भी देखो अगर उसकी कटिंग की बात करूं, कटिंग देख के आप उसके फैन हो जाओगे कसम से। फाइटिंग वगैरह देख यार, फाइटिंग इतनी गंदी थी ना, इतने गंदे VFX लगा रखे, साफ साफ ये लग रहा है कि कार्टून वाली मूवी देख रहे हैं। अगर भाई पैसा खराब करना है तो मैं बोलूंगा कि जाओ इस वाली मूवी को देख लो वहां पे जाके, और अगर सच्चे राम भक्त हो तो भाई ये वाली मूवी बिल्कुल भी मत देखने जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई जो सच्चे राम भक्त है ना थिएटर में जाके गालियां वालियां दें इनको और यहाँ पे बाहर आके बाइकआउट करें। गंदी कास्टिंग भाई, गंदी फिल्म है कसम से। जो इन्होंने रामायण देख रखी होगी ना और ये वाली रामायण देख लेंगे। लोगों ने ये भी बोला कि इस वाली फिल्म में ना जो एक्टर्स है ना या फिर रावण है उसकी एक्टिंग बहुत तगड़ी है। एक्टिंग पता है बहुत तगड़ी क्यों, क्योंकि सभी लोगों ने इतनी गंदी एक्टिंग कर रखी है ना, सिर्फ एक सैफ अली खान थी जिसकी ठीक ठाक सी एक्टिंग थी, और वो ठीक ठाक भी इसीलिए लग रही है क्योंकि बाकी लोगों ने गंदी कर रखी है और उसकी थोड़ी सी ठीक लगी इस मूवी को लेके। बाकी भाई आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग ये वाली फिल्म देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते। मैंने देखी भाई, मैंने अपना टाइम भी खराब किया, अपना पैसा भी खराब किया, और सही बता रहा हूँ गालियां देने का मन तो यार मेरा अभी भी कर रहा है, लेकिन मैं दे नहीं सकता भाई, क्योंकि इस वाली मूवी के अंदर ये लोग राम लक्ष्मण सीता वगैरह ऐसा कुछ बना, अगर मैं इन लोगों को गालियां देता तो डायरेक्ट ये लगेगा मैं भगवान को गाली दे रहा हूँ। और भाई ये वाली वीडियो यहीं तक की थी, इस वाली वीडियो को भाई थोड़ा सा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लो भाई अगर सच्चे राम भक्त हो, और ये वाली मूवी भाई देखने जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।